राष्ट्रध्वज भगवा ध्वज नहीं हो सका, हमने स्वीकार किया। इस देश की राष्ट्रभाषा पूर्ण रूपेण हिंदी नहीं हो सकी, हमने स्वीकार किया। इस देश का राष्ट्रगान वंदे मातरम नहीं हो सका, हमने स्वीकार किया। पर हैदराबाद की गली का एक नेता बकरुद्दीन मवेशी ये कहे कि कोई मेरी गर्दन पर छुरी रख दे तब भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, ये हमको स्वीकार नहीं था। वाह 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 वाह। तब मैं कहना चाहता हूँ, उस दिन धरती कांपी थी और अंबर भी रोया था, रिश्तों का एहसास रात भर करवट बदले सोया था। और एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ साहब, असंभव है कि उस दिन धरती कांपी थी और अंबर भी रोया था, रिश्तों का एहसास रात भर करवट बदले सोया था। उस दिन माँ की छाती में दूध फट गया था भाई। क्या बात है। उस दिन माँ की छाती में दूध फट गया था भाई, बरसों का विश्वास न जाने क्यों हट गया था भाई। लगता था कि अब सागर भी निश्चय ही डोलेंगे। क्या बात है। लगता था कि अब सागर भी निश्चय ही डोलेंगे। जब ओवैसी ने कहा कि भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे, करना था जो उन फतवों को वो ही बार बार किया। मातृभूमि भारत माँ को माँ कहने से इनकार किया। चुप्पी क्यों है बाहर आओ घर आंगन और द्वारों से, आर के पुरम वालों, चुप्पी क्यों है बाहर आओ घर आंगन और द्वारों से, चुप्पी क्यों है बाहर आओ गली मोहल्ले गलियारों से, पहुंचा दो आवाज आपकी संसद की दीवारों तक, पहुंचा दो आवाज आपकी संसद की दीवारों तक, पहुंचा दो आवाज आपकी दक्षिण की चार मीनारों तक। कह दो ये मट्टी रग रग में बसती है और जन्म जन्म का नाता है। कह दो ये मट्टी रग रग में बसती है और जन्म जन्म का नाता है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हम सब की भारत माता है। वा, 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 वा। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हम सब की भारत माता है। कह दो कि दो पायों का राष्ट्र एक पर खड़ा नहीं हो सकता है। कह दो कि दो पायों का राष्ट्र एक पर खड़ा नहीं हो सकता है। देश बड़ा है धर्म कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। वा, 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 वा। देश बड़ा है धर्म। और जब हम जैसे लोग ये कविता पढ़ते हैं, लोग कहते हैं साहब ये तो भगवा आतंकवादी है, इन लोगों का काम उपद्रव फैलाना है। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं साहब, सूरज के अस्ताते हुए सूरज का रंग भगवा है, उगते हुए सूरज का रंग भगवा है, अग्नि की दीप अग्नि की शिखाओं का रंग भगवा है, मेरे हनुमान जी महाराज का चोला भगवा है, भगवान राम की पीताम्बरी भगवा है, अरे इस देश के तमाम सम्राटों का रंग भगवा है। अरे साहब हम उस संस्कृति के जीने वाले लोग हैं। ये आर के पुरम के किसी गले कोने में मोहल्ले में कोई छोटा सा मंदिर हो जाकर देखना, जमीन नगर निगम की, पुजारी की तनख्वाह आपकी, व्यवस्थाएं आपकी, और जब उस मंदिर का पुजारी पूजा करता है वो यही कहता है धर्म की जय हो। क्या बात? वो नहीं कहता हिंदू धर्म की जय हो, वो ये नहीं कहता किसी अन्य धर्म की जय हो, वो ये। क्या बात है। वाह 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 वाह। आइए 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 भाई साहब। प्रकाश जी जायसवाल साहब आज तो तरगियों में हो। वाह 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 वाह। क्या बात है। वाह वाह। थैंक यू। बहुत बहुत शानदार विशुद्ध विशुद्ध कविता का पाठ करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ भाई राजेंद्र। यहाँ का पुजारी कभी ये नहीं कहता धर्म इस्लाम की जय हो, ईसाई की जय हो, सिख की जय हो, हिंदू की जय हो, वो कहता है धर्म की जय हो। क्या बात है। वाह। अधर्म का नाश हो, वो किसी धर्म का नाश नहीं करता। प्राणियों में सद्भावना हो, बेशक विश्व का कल्याण हो। वा, अरे साहब विश्व का कल्याण करने वाली भगवा संस्कृति कैसे आतंकी संस्कृति हो सकती है, जब इस देश का आदमी, इस हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति, इस देश का धर्म प्रेमी व्यक्ति है, कहता है सोने से पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अरे यूएनओ के लोग आज विश्व शांति की कामना कर रहे हैं और हमारे देश में वेदों के जमाने से वसुधैव कुटुंबकम की कामना की जाती है। तब मैं निवेदन करता हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ये कहना चाहता हूँ साहब, बहुत शानदार पढ़ रहे हो। दुनिया का हर रंग, और एक पूरे कवि होने के नाते कहना चाहता हूँ, तुम ही रखो ये रंगों की सियासत दोस्तों। तुम ही रखो ये रंगों की सियासत दोस्तों। हम तो जीवन में रंग भरने का काम करते हैं, करते हैं। वाह वाह वाह। और कहना चाहता हूँ साहब, कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली। दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कोई ये कहे कि भगवा रंग आतंकवादी है, इस अदने से कवि राजेंद्र गौड़ की पंक्तियों का उदाहरण देना साहब। कुछ लोगों ने भगवे को गाली देने की आदत डाली है, कुछ लोगों ने तुष्टीकरण भरी सियासत पाली है, कुछ लोगों ने भगवे को भगवा आतंक बताया है, कुछ लोगों ने भगवे को जेहादी डंक बताया है। भगवा भगवा त्याग समर्पण है, भगवा शौर्य वीरता है, रग रग माटी में मिल जाए भगवा वही धीरता है। भगवा भगवा चंद सियासी भांडों का ढोलक चंग नहीं हो सकता है,
दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता। क्या है? बात है? दुनिया में भगवा आतंकी क्या है? भगवा साहब स्वागत। भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है। आए, क्या बात है? क्या है भगवा? भगवा 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 भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है। भगवा रणभूमि को शीश चढ़ाते मरहट्टों की टोली है। भगवा पन्ना का राजधर्म हाड़ी की अमर कहानी है। सुत पीठ बांध रणखेत चढ़े भगवा वो झांसी रानी। आए, क्या बात है? भगवा भगवा भगत सिंह की फांसी है, भगवा शेखर की गोली है। भगवा रणभूमि को शीश चढ़ाते मरहट्टों की टोली है। भगवा पन्ना का राजधर्म हाड़ी की अमर कहानी है। सुत पीठ बांध रणखेत चढ़े भगवा वो झांसी रानी है। भगवा भगवा जोहर का अग्नि ज्वाल, भगवा केसरिया रजपूतों का। भगवा तलवारों की शान चढ़ा व्रत है वीर सपूतों का। भगवा कर्तव्यों का शिलालेख, जेहादी जंग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। और साहब अभी 2 अक्टूबर निकला, हम लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई। मुझे उनके राष्ट्रपिता होने से कोई परहेज नहीं है, बेशक। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं साहब कि मन में तो सम्मान बहुत है सत्य अहिंसा की सीखों का। लेकिन बापू देश ऋणी है जलिया वाली चीखों का। अरे अड़ जाते अगर बापू तो सरकार ब्रितानी झुक जाती। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु तीनों की फांसी रुक जाती। क्या बात है वाह। अरे साहब राष्ट्रपिता तो गुरु गोविंद सिंह को होना चाहिए था। क्या बात है? वो इसलिए होना चाहिए था, इस देश का एकमात्र पिता है जिसने इस देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों बेटे बलिदान। बेशक बेशक। मुझे याद आती है उनके दो बेटों की, जब उनके दो बेटों को जिंदा दीवार में चुना जा रहा था, उनको कहा अपनी कौम बदल लो, ये भगवा उतार दो। उन्होंने कहा नहीं साहब, देश धर्म नु खातिर मरकर सीढ़ी सरक चढ़ूंगा मैं, शीश भले कट जाए मेरा कलमा नहीं पढ़ूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात। अरे जब दोनों बेटों को दीवार में चुना जा रहा था, दोनों बेटे मुस्कुरा रहे थे, दीवार चुनती हुई आई मलेरकोटला के नवाब के दला, वहां उसके कारिंदे जब उनको चुन रहे थे, अचानक बड़े बेटे की आंख में आंसू आता है। और जैसे ही बड़े बेटे की आंख में आंसू आता है, छोटा बेटा कहता है वीर जी आपकी आंख में आंसू देखकर मुझे शर्म महसूस हो रही है। तो बड़ा कहता है अरे वीर जी ये आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये मेरी आंख में आंसू इसलिए बड़ा मैं हूं, पहले दुनिया रुखसत करके मुझे जाना चाहिए। पर लेकिन तुम्हारी लंबाई कम है और जब ईंटें चुनती हुई आएगी तुम्हारी लंबाई होने के कारण पहले तुम मृत्यु को प्राप्त होगी, ये बड़े के लिए शर्म की बात है, मेरे लिए इस कारण आंख में आंसू है। तब मैं कहना चाहता हूं भगवा क्या है? भगवा 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 बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। याद कीजिए साहब, प्रणाम करता हूँ। 351वां प्रकाश उत्सव गुरु गोविंद सिंह जी का चल रहा है और गुरु नानक जी का प्रकाश उत्सव वर्ष अभी है कि भगवा भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। भगवा त्याग भावना है भामाशाह जैसे सेठों की। भगवा प्रताप का प्रण है और घास की रोटी है। शीश कटे पर धर्म न छूटे भगवा वो बोटी बोटी है। क्या बात है? भगवा भगवा बलिदानी परंपरा है गुरु गोविंद के बेटों की। भगवा त्याग भावना है भामाशाह जैसे सेठों की। भगवा प्रताप का प्रण है और घास की रोटी है। शीश कटे पर धर्म न छूटे भगवा वो बोटी बोटी है। भगवा निर्वाणी ताना बाना महावीर तथागत बुद्धों। भगवा सत्य अहिंसा है परिणाम कलिंग के युद्धों का। भगवा सागर है सृष्टि पर नदियों के संग नहीं हो सकता है। दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। क्या है भगवा साहब? भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। वाह 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 वाह, क्या है भगवा? क्या प्रयोग है भगवा? प्रयोग देखें आप, कविता का शिल्प देखिए। अभिनंदन। भगवा भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। भगवा राधा संग रास रचाते कान्हा का मधुबन है जी। भगवा काशी भगवा मथुरा भगवा अवधपुरी वृंदावन है। भगवा शंकर के चार धाम आर्यों का नंदन कानन है। भगवा सिंधु से हिंदू के माथे। पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं होता अगर सिंधु सभ्यता नहीं होती। सिंधु सभ्यता के लोग स को ह कहते थे, इसलिए इस देश का नाम सिंधुस्तान से हिंदुस्तान हुआ। और पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। तब कहना चाहता हूँ साहब भगवा भगवा मीरा के नर्तन करते घुंघरू की छन छन है जी। भगवा राधा संग रास रचाते कान्हा का मधुबन है जी। भगवा काशी भगवा मथुरा भगवा अवधपुरी वृंदावन है। भगवा शंकर के चार धाम आर्यों का नंदन कानन है। भगवा सिंधु से हिंदू के माथे अक्षत रोली चंदन है। भगवा भारत की भाव भूमि पर सागर का अभिनंदन है। भगवा है शीश हिमालय का दर्रा तंग नहीं हो सकता है।
दुनिया में भगवा आतंकी रंग नहीं हो सकता है। वाह वाह वाह।